री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का एक विशेषांक प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय और सामान्य अध्ययन के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश की आगामी विभिन्न परीक्षाओं में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं तो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए कुछ ना कुछ सवाल वहाँ से पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि PCS परीक्षा में मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित रूप में आयोजित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से टिप्पणी और प्रश्न भी पूछे जाने की जो है अब संभावना पूरी तरीके से बन रही है। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश का हम लोग एक अवधारणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न किताबों में तथ्यात्मक रूप में इसके बारे में जानकारी मिलती है, किंतु हम लोग इस तरीके का एक अप्रोच डेवलप करेंगे जिससे थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश की विभिन्न जानकारी को एक कॉन्सेप्ट के आधार पर सम्मिलित करेंगे और कॉन्सेप्ट के आधार पर जो तैयार करने का प्रयास करेंगे, जिससे यदि उत्तर वहां से पूछे जाते हैं तो लिखना आसान हो, और उसी तरीके से यदि साक्षात्कार में प्रश्न पूछते हैं तो हम उसको संक्षिप्त रूप में एक कॉन्सेप्ट में जो है बता सकें जो है उस उत्तर को। तो इस हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश को समझेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश को एक सामान्य परिचय के रूप में देखेंगे। बाकी आगे के लेक्चर में हम इसके भौगोलिक पक्ष को, इसके कृषि को, इसके राजनीतिक पक्ष को, इसके सांस्कृतिक पक्ष को, औद्योगिक पक्ष को, सभी पहलुओं और पक्षों को जो है समृद्ध करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश को एक व्यापक रूप में जब समझना संभव हो सके और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को हल करना संभव हो सके। तो हम लोग उत्तर प्रदेश को आज एक सामान्य परिचय के रूप में देख रहे हैं। यदि जैसे आप यूपी स्टेट से बाहर हैं और आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप किस प्रदेश से हैं तो आप बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, तो वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय बताइए, अपना नहीं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिचय में आप क्या क्या बता सकते हैं कि जैसे, तो ये हो गया कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कहाँ है, इसका आकार क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है और इसके आसपास के स्टेट कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेट से अपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, ये सामान्य जानकारी है। इसकी राजधानी हो सकती है, यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो सकते हैं। हालांकि इन सभी राजनीतिक भौगोलिक सभी पक्षों को एक ही दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामान्य परिचय पूछता है तो उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हो सकती हैं उसे हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें जैसे अगर कोई पूछता है तो इतना कम से कम होना चाहिए कि इसकी अवस्थिति, दूसरा आकार हो गया, इसी तरीके से क्षेत्रफल को भी देख लेंगे क्योंकि तुलनात्मक रूप से हम लोग जब पढ़ते हैं तो अन्य भी पक्षों को समझना उसके आधार पे आसान हो जाता है, और सीमावर्ती क्षेत्र, इतने पॉइंट्स को हम लोग इसमें देखेंगे। अवस्थिति, आकार, क्षेत्रफल, सीमावर्ती क्षेत्र। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यह इसकी स्थिति को बताता है। और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के रूप में नेपाल है, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आते हैं, या झारखंड और बिहार को आप पूर्व दिशा में ले सकते हैं। पश्चिम में आपके दिल्ली अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जाए, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा आ जाते हैं। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट के रूप में उत्तर दिशा में आते हैं। तो यह इसके अवस्थिति के साथ साथ आसपास के देश और प्रदेशों की यह स्थिति बताती है जो है। तो और इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो इसका क्षेत्रफल जो है 240,928 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर होता है। वैसे एक चीज इस विषय पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जिसके
बारे में हम लोग एक ओवरऑल जानकारी रखते हैं, एक सामान्य जानकारी रखते हैं, या उसके आंकड़े को हम एक जनरल वे में जो है एक गुणक में ले लेते हैं, परंतु देश की राजधानी, देश का क्षेत्रफल और प्रदेश जिससे आप बिलोंग करते हैं, और अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आपको एकदम अकूरेट डेटा के रूप में जानकारी रखना होता है। तो इसी तरीके से जैसे आपके स्टेट का क्षेत्रफल हो गया कि 240,928 वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से जैसे देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इस आधार पर आप देश की का क्षेत्रफल और प्रदेश का क्षेत्रफल, ये एक मोटा मोटा जो है जानकारी की तुलना में जो है आपको एक एग्जैक्ट डेटा वहां पे रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब चीजें जब पूछी जाती हैं तो ये अपेक्षा की जाती हैं कि आपको इसकी स्पष्ट जानकारी होगी। जैसे प्रदेश की आपकी का क्षेत्रफल हो गया 240,928 वर्ग किलोमीटर, तो उसी तरीके से देश का जो है क्षेत्रफल हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाता है। अभी हम लोग अवस्थिति में ही पढ़ रहे थे और अब हम लोग आकार को जो है देख रहे हैं, अभी क्षेत्रफल पर नहीं चलते हैं, क्षेत्रफल को हम थोड़ा सा इस पॉइंट के बाद लेंगे। आकार उत्तर प्रदेश का आकार जो है वह लंबवत है, यानी कि पूर्व और पश्चिम में लंबवत आकार में ये बनता है, जिसकी उत्तर से दक्षिण जब लंबवत पूर्व और पश्चिम में हो जाएगा तो उत्तर और दक्षिण की लंबाई कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस आकार में है, कहीं कहीं पर ये जैसे सोनभद्र है यहां पर थोड़ा सा नीचे है, और इसी तरीके से ललितपुर, ललितपुर ये थोड़ा सा, और यहां पर जो है बलिया है, ये अपने सामान्य क्षेत्र से बाहर की तरफ जो है निकले हुए प्रतीत होते हैं, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक लंबवत आकार में जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बनता है। इसमें यहां से अगर इस तरीके से उत्तर दक्षिण में देखा जाए तो इसकी लंबाई 240 किलोमीटर होती है और पूर्व पश्चिम में 650 किलोमीटर होता है, ये इसकी जो है लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई ओवरऑल बनता है कि अधिकतम इसकी जो लंबाई 240 चौड़ाई हो जाती है, यानी कि जिसे उत्तर और दक्षिण में कहेंगे, और पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। तो इस आधार पर इसके आकार को आप कहेंगे कि यह पूर्व और पश्चिम में लंबवत आकार में है, जिसकी लंबाई पूर्व और पश्चिम में 650 किलोमीटर, और चौड़ाई को अगर मान सकते हैं या उत्तर दक्षिण की लंबाई मान सकते हैं तो 240 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर होता है। अब ये 240,928 वर्ग किलोमीटर अगर देश के क्षेत्रफल से इसकी तुलना किया जाए, अनुपात किया जाए, तो ये 7.33% जो क्षेत्रफल ये पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का होता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल है। अगर हम इसे वैश्विक स्तर पर ले जाएं, वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना करें, तो वैश्विक स्तर पर ये ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब वैश्विक स्तर पर कोई देश की अगर तुलना किया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के वो बराबर या आसपास होता है। तो इस आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना होती है। अगर हम देश के अंतर्गत स्टेट की चर्चा करें, देश के अंतर्गत स्टेट की हम चर्चा करें, तो उन स्टेट में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल में चौथा स्थान, प्रदेश के क्रम में चौथा स्थान बनता है। पहले स्थान पर राजस्थान आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देन जो है यूपी, तो ये चौथा स्थान रखता है।
अगर देश के अंदर स्टेट के क्रम को पूछा जाता है तो वहां पे चौथे स्थान पर ये आता है, इसका चौथा स्थान होता है क्षेत्रफल में। अब हम अगर ये देखें कि इसके चार बड़े डिस्ट्रिक्ट को, चार बड़े डिस्ट्रिक्ट को देखें तो इसमें लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ये चार बड़े इसके अंतर्गत चार बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। और छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें हापुड़ सबसे छोटे जिले में, हापुड़ गाजियाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है उत्तर प्रदेश का, और भदोही, भदोही को बाद में नाम इसका दिया गया संत रविदास नगर, और शामली, ये जिले आते हैं। सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला क्या है, हापुड़। देखिए उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिचय में इतनी जानकारी होना आप लोगों के लिए आवश्यक है और ये जानकारी हमेशा होनी चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप दो तीन बार पढ़े तो मुझे लगता बेहतर होगा, क्योंकि जब दो तीन बार आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी इस पे जो है स्पष्ट हो जाती है। तो ये है जिलों की स्थिति, सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने अवस्थिति को समझा, आकार को समझा, क्षेत्रफल को हम लोगों ने समझ लिया। अभी इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना हम लोगों को है, सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में। सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं जो है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में ये देखना है कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल 9 राज्य, भारत के कुल 9 राज्य, 9 राज्यों में जो है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 8+1 यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पष्ट स्पर्श करती है और प्लस एक देश है, एक देश, ये देश कौन सा है, नेपाल। अगर एक लाइन में पूछा जाए आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में बताइए तो आपको ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश और कुल 9 राज्य, यही सेंटेंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश और कुल 9 राज्यों को स्पर्श करता है और इन 9 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हैं। अब ये मध्य प्रदेश को जो है दक्षिण में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार, इधर नेपाल आ जाता है, राजस्थान पश्चिम में दिल्ली और राजस्थान हो गए, और पश्चिमी उत्तर में आपके आ जाते हैं तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस तरीके से 8 राज्य हो जाते हैं और एक देश हो जाता है जिसकी सीमा को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करता है। देखिए जब कभी भी आप इस तरीके की अवस्थिति और आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हो तो वहां पर मैप जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैप आपके पास होना चाहिए, और कम से कम आप ये समझिए कि सीमावर्ती जिलों को एक बार जो है आप जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि कई बार आपकी स्थिति जो है इस आधार पर स्पष्ट होगी कि कौन से जिले के पास में कौन सा जिला है और कौन सा जिला जो है कौन से प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल या साक्षात्कार में भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीन तरफ से जो है एमपी से घिरा हुआ है, एमपी से घिरा हुआ है और बाकी इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो एमपी ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीन तरफ से जो घिरा हुआ है, और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो चार प्रदेशों को जो है स्पर्श करता है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो चार प्रदेशों को स्पर्श करता है। ये कई बार खैर सवाल परीक्षा में भी पूछा गया है, आप लोग अगर कुछ समय पहले से तैयारी शुरू कर दिए होंगे तो इसके बारे में जानकारी होगी ही, परंतु फिर भी हम एक व्यापक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। तो ये जो है सोनभद्र इस तरीके का
डिस्ट्रिक्ट है जो चार स्टेट को स्पर्श करता है, और यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि कौन से दो स्टेट हैं जो केवल एक डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करते हैं। दक्षिण का वह कौन सा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण का वह कौन सा स्टेट है जो केवल एक जिले को स्पर्श करता है? तो उसका उत्तर है छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड केवल जो है सोनभद्र को स्पर्श करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे दक्षिणी, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो सोनभद्र में ही आता है और यह छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ को स्पर्श, इसी तरीके से झारखंड भी है जो केवल सोनभद्र को स्पर्श करता है, किंतु दक्षिणी जो बिंदु है वो छत्तीसगढ़ में आता है। अब हम लोग धीरे धीरे इधर को ऐसे बढ़ते हैं, आते हैं राजस्थान। राजस्थान और दिल्ली, दिल्ली से जो है दो डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान से दो डिस्ट्रिक्ट, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा राजस्थान से दो जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं, और इसी तरीके से दिल्ली से जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये तो बहुत ही पहले से ही और बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तर प्रदेश के। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान है कि उत्तर प्रदेश के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत यहाँ से आता है, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास है और यहाँ आर्थिक गतिविधियां जो है बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली और गाजियाबाद का महत्वपूर्ण स्थान बनता है, और दो डिस्ट्रिक्ट यही ऐसे हैं जो दिल्ली से स्पर्श करते हैं। इसके बाद हरियाणा आता है। हरियाणा, हरियाणा पश्चिमोत्तर में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो है उत्तर में स्थित दो अलग प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। प्रदेश का सहारनपुर एक ऐसा जिला है, सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो तीन राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड को, हिमाचल को और हरियाणा को। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो तीन प्रदेशों को स्पर्श करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो सहारनपुर जिले का है, हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, और अगर पूछा जाए कि उस उत्तरी बिंदु जो सबसे है वो किस प्रदेश को स्पर्श करता है, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश की सीमा को यह स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला प्रदेश भी वो हिमाचल प्रदेश ही है। कहने का तात्पर्य है कि कुल नौ राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेश समेत कुल नौ राज्यों को इसकी सीमा स्पर्श करती है, किंतु सबसे कम सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, और सबसे अधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश को, सबसे अधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पे बनता है। तो सहारनपुर एक महत्वपूर्ण जिला है, और पहला जो है यहाँ पे सोनभद्र हो गया था जो चार प्रदेशों को स्पर्श करता था, और यहाँ पर ये एक ऐसा जो है जिला है जो तीन राज्यों को स्पर्श करता है। यहां पर हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर को स्पर्श करता है। अगर हम बाहर उत्तर प्रदेश के बाहर जाए तो तीन ऐसे, दो यहां पर हम लोगों ने देखा था और एक ऊपर से देख लेते हैं, तो कुल तीन जो है बाहर के कुल तीन राज्य हैं जो केवल एक एक प्रदेश, एक एक जिले को ही स्पर्श करते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर को, छत्तीसगढ़ ये सोनभद्र को, इसी तरीके से झारखंड ये भी सोनभद्र को। तो
एक सवाल ये भी अलग से बन जाता है कि तीन ऐसे प्रदेश हैं जो केवल एक एक जिले को, उत्तर प्रदेश की केवल एक एक जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो यह भी एक तरीके का जो है सवाल बन जाता है। और एक इसमें से जो है अगर पहाड़ी पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो प्रभावी पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ललितपुर एक ऐसा जो है जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बलिया भी थोड़ा सा यहां पर बिहार की सीमा में जो है बिहार की तरफ जो है प्रवेश किया हुआ है। इसी तरीके से सोनभद्र है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के आसपास जो है मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट को स्पर्श करता है। अब यहां पर अगर दो अन्य पॉइंट को हम लोग कवर करें इसमें, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, बलिया पूर्वी जिला, दक्षिणी सोनभद्र और शामली, ये जो है सबसे पश्चिमी जिला है। अब एक और सवाल बन रहा है कि सबसे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु किन किन राज्यों को स्पर्श करता है बिहार। अब देखिए, क्योंकि यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे थे कि सबसे उत्तरी जो उत्तरी बिंदु है वो सहारनपुर में है और सहारनपुर एकमात्र ही ऐसा जो है हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करने वाला जिला है। तो यहां पर ये उत्तरी बिंदु जो है वो हिमाचल प्रदेश को हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श कर, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। और यहां पे ये भी जानकारी है कि प्रदेश का सबसे कम दूरी या कम जो है सीमा स्पर्श करने वाला प्रदेश वो भी हिमाचल प्रदेश ही है और सबसे पश्चिमी बिंदु वो हरियाणा को स्पर्श करता है और सबसे उत्तरी बिंदु छत्तीसगढ़ को। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के जिले सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली हो जाते हैं। इसी तरीके से सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्रमशः हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा को स्पर्श करते हैं। यह एक सामान्य परिचय इसका बनता है। एक यहां पर और हम लोगों ने देखा, नेपाल जो उत्तर में स्थित देश है वो कुल सात जिलों को स्पर्श करता है। अगर हम यहां से एक क्रम देखें पूर्व से पश्चिम को, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज जैसे आसपास यहां पे है, महाराजगंज हो जाता है, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर बलरामपुर श्रावस्ती, बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यह भी एक सवाल बन जाता है। तो कुल मिलाकर के 1, 7, 9 की स्थिति बन रही है। एक देश हो गया और उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से स्पर्श कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुल प्रदेशों को अगर देखा जाए तो 9 प्रदेश है या 8 प्रदेश प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बचता है एनसीआर, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बचता है एनसीआर दिल्ली के बारे में। अभी पूर्व में ये दिल्ली यहां की राजधानी पहले से तो थी ही, किंतु वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को
और स्पष्ट करने के उद्देश्य से 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 69वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और ये 1991 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे इसे जो है एनसीआर का जो है दर्जा नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कहा गया और इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले सम्मिलित किए गए हैं। इन 8 जिलों में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद ये पहले से ही थे। समय समय पर इन जिलों की संख्या को बढ़ाया जाता रहा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, पुनः जो है बागपत और बुलंदशहर, बागपत और बुलंदशहर, दूसरी तरफ मेरठ और मुजफ्फरनगर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, अगला शामली और हापुड़, हापुड़ सबसे छोटा भी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये कुल 8 रहे। देखिए इसमें भी एक कहीं ना कहीं एक रीजनिंग बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और हापुड़, ये लास्ट में 2 अलग अलग हैं, अन्यथा दोनों में जो है पहला पहला अक्षर सेम है। तो ये भी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जिन जिलों को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित किया गया है, जिसे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी में बनाया गया, जहां का प्रशासक जो है वो उपराज्यपाल होता है। और इसमें 2021 में संशोधन किया गया है, यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया है, जहां पर सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल को माना गया है, यानी कि उपराज्यपाल की स्थिति को और स्पष्ट करते हुए उसे सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। तो यह मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी से संबंधित इतना जो है पॉइंट्स महत्वपूर्ण रूप में आप लोगों के लिए बनता है। तो इतनी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है या उत्तर प्रदेश का परिचय पूछा जाता है तो आप उसमें इन सभी चीजों को सम्मिलित करेंगे। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, एक तो उसकी अवस्थिति है, दूसरा उसका आकार है और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के साथ साथ आपका सीमावर्ती देश और प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के जिले किस रूप में इन देश और प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको इन सभी पॉइंट्स को अगर एक साथ जो है इंटरकनेक्टेड करके अगर आप देखेंगे तो इससे इन सभी चीज़ों को याद करना भी आसान होगा, या आप कहीं पर अकेले बैठे हैं तो आप सोच सकते हैं, जिससे इन सभी पॉइंट्स को जो है एक बार रिमाइंड करना आप लोगों के लिए आसान होगा। पुनः अगले लेक्चर में हम लोग इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के एक एक पार्ट को जो है देखेंगे और आराम से जो है पढ़ते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश विशेषांक के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगा होगा। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।